हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। देवी महालक्ष्मी स्वयं आप ही के सपने में दर्शन देकर उस शुभ घड़ी का संकेत दे रही हैं, जिस घड़ी की प्रतीक्षा आप दोनों बड़ी व्याकुलता से कर रहे हैं। परंतु देवर्षि, वो शुभ घड़ी कब आएगी? जब आपकी तपस्या पूर्ण होगी तब। और हमारी तपस्या कब पूर्ण होगी? आपकी तपस्या तब पूर्ण होगी जब आप नवरात्रि की नवमी अथवा दशमी तिथि को कन्या पूजन करेंगे। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम माता। हे संकट हरने वाली, हे सब सुखों की दात्री, हे दुखियारों के दुख हरने वाली, हे माता महालक्ष्मी, आपको मेरा प्रणाम। हे मातेश्वरी, आपने मुझे स्मरण करके, अपनी सेवा का अवसर प्रदान करके मुझे अनुग्रहित किया है। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? देवर्षि, राजा रत्नाकर और रानी विजया मेरे परम भक्त हैं। अब उनके दुखों को हरण करने का समय आ गया है। अर्थात वो शुभ घड़ी कई युगों के बाद आ पहुंची है, जब आप जन कल्याण के लिए पृथ्वी लोक पर वैष्णवी देवी के रूप में अवतार लेंगी। हाँ ऋषिवर, परंतु मेरे अवतार लेने में अभी एक बाधा और है जिसे आपको दूर करना होगा। बताइए मातेश्वरी, वो कौन सी बाधा है और उसे दूर करने के लिए मुझे क्या करना है? देवर्षि, राजा रत्नाकर और उनकी पत्नी ने मेरी बड़ी तपस्या तो की है, परंतु उसमें एक अभाव रह गया है। उन्होंने अभी तक कुमारी कन्या की पूजा नहीं की है। आप उन्हें जाकर कन्या पूजन का परामर्श दीजिए। नारायण नारायण। परंतु हे देवी, क्या कन्या पूजन आपके पूजन से बढ़कर है जो आप उसे प्राथमिकता दे रही हैं? देवर्षि, कुमारी कन्या मेरा ही पवित्र अंश होता है, इसीलिए कुमारी कन्या की पूजा मेरी ही आराधना है। और जब तक राजा रत्नाकर और उनकी पत्नी विजया किसी कुमारी कन्या की पूजा नहीं करेंगे, मेरे प्रति उनकी तपस्या पूरी नहीं होगी। मातेश्वरी, आपका संकेत मैं समझ गया। मैं शीघ्र अति शीघ्र राजा रत्नाकर और रानी विजया से मिलकर उन्हें परामर्श दूंगा कि कुमारी पूजन से ही आपकी विशेष मनोकामना पूरी होगी। तथास्तु। नारायण नारायण। प्रणाम माता। हे माता महालक्ष्मी, आप अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हैं। हे जगदम्बे, आप इस विश्व की कारणभूता महामाया हैं। मातेश्वरी, आप जब प्रसन्न हो जाती हैं, तो पृथ्वीवासियों को मोक्ष प्रदान करती हैं। हे आदिशक्ति, आप ही समस्त प्राणी मात्रों की एकमात्र शक्ति हो। हम आपके तुच्छ भक्त आपका उपयुक्त वर्णन कैसे कर सकते हैं? हजारों सूर्य आकाश मंडल पर एक साथ उदय हो, तब कहीं जाकर आपके तेजस्वी रूपों का उपयुक्त वर्णन हो सकेगा। हे माते, आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे। आपको हमारा प्रणाम। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम देवर्षि।
आयुष्मान भव। महारानी विजया, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और जो भक्त नवरात्रि में महामाया महालक्ष्मी की सच्चे हृदय से भक्ति करते हैं, माता उनका कल्याण करती है। जैसे एक भक्त अपने परमेश्वर के दर्शन की आस लगाकर उनकी तपस्या करता है, उसी प्रकार हम दोनों भी पुत्र प्राप्ति की आस लगाकर महामाया महालक्ष्मी की तपस्या कर रहे हैं। देवर्षि, नवरात्र के इस प्रथम दिवस के अवसर पर आपने दर्शन देकर हमें धन्य कर दिया है। आप त्रिकालज्ञ हैं, कृपया हमें बताइए कि हमारे प्रारब्ध में क्या लिखा है। नारायण नारायण। राजन, यह आपको भी पता है कि आपके प्रारब्ध में क्या लिखा है। क्या समुद्र से प्रकट होने वाली परब्रह्म स्वरूपिणी महामाया लक्ष्मी को बार बार आपने अपने सपने में नहीं देखा है? नारायण नारायण। देवी महालक्ष्मी स्वयं आप ही के सपने में दर्शन देकर उस शुभ घड़ी का संकेत दे रही हैं, जिस घड़ी की प्रतीक्षा आप दोनों बड़ी व्याकुलता से कर रहे हैं। परंतु देवर्षि, वो शुभ घड़ी कब आएगी? जब आपकी तपस्या पूर्ण होगी तब। और हमारी तपस्या कब पूर्ण होगी? आपकी तपस्या तब पूर्ण होगी जब आप नवरात्रि की नवमी अथवा दशमी तिथि को कन्या पूजन करेंगे। हाँ महारानी, महाराज, कन्या पूजन सबसे बड़ी तपस्या है। यूं समझो, इस तपस्या की प्रेरणा साक्षात महामाया महालक्ष्मी आपको दे रही है। हाँ मुनिवर, ये तो हम जानते हैं कि कुमारी कन्याएं साक्षात माता महालक्ष्मी का ही अंश होती है। और कुमारी पूजन से मनुष्य की सारी व्यथाएं दूर हो जाती हैं। इतना ही नहीं, कुमारी पूजन से संतान की भी प्राप्ति होती है। महारानी विजया, 5 साल से 10 साल तक की बालिकाएं कुमारी कहलाती हैं। भक्त चाहे तो 1 कुमारी का पूजन कर सकता है या चाहे तो 10 कुमारियों का पूजन कर सकता है। महाराज रत्नाकर, महारानी विजया, जप तप व्रत यज्ञ और दान से माता उतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से होती है। अतः आप भी कुमारी पूजन करके महालक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए। नारायण नारायण। हे प्राणनाथ, आप मंत्री जी से कह दीजिए कि हम नवमी के दिन कुमारी पूजन करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा महारानी।